কলকাতার ব্যবসায়ী মদন গোপাল সোনি নামে এক ব্যক্তি 2017 সালে লক্ষাধিক টাকা খরচ করে উত্তর কলকাতার 24 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত 39 নম্বর ব্রিজু দুলাল স্ট্রিটে পাঁচতলা একটি বাড়ি কিনেছিলেন। বাড়ি কেনার পর থেকে টাকার দাবিতে একাধিকবার ফোন আসে, পাশাপাশি বাড়ি কেনার পর থেকে তাকে বাড়িতে ঢুকতে বাধার মুখে পড়তে হয়, কয়েকবার হুমকিরও ফোন আসে। বিষয়টি স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ করেও সুরাহা পাননি, কিন্তু আজ তার বাড়ি নেই, টাকাও ফেরত পাননি। এখন তিনি পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে বিচারের জন্য দাঁড়ে দাঁড়িয়ে হোঁচট খাচ্ছেন। 2017 সাল থেকে আজ 2022 তিনি বিচার পাননি, উল্টো স্থানীয় নেতাদের কাছ থেকে হুমকি পাচ্ছেন। দেখা যাক পুরো বিষয়টি কি। মদন গোপাল সোনি মেরা নাম হ্যায় আর আপনা 24 নম্বর ওয়ার্ড মে 39 ব্রিজ দুলাল স্ট্রিট এক মকান परचेज किया हुआ मेरा। उसमें फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर में सबसे पहले मैं टेनेंसी बोल करके गया हूँ, उस टेनेंसी के साथ में एक सेल एग्रीमेंट भी हुआ है। फिर एज पर प्लान दो पार्किंग और छह फ्लैट उसमें है, जिसमें दो पार्किंग पांच फ्लैट मेरा परचेज किया हुआ है। जब तक रजिस्ट्री हुआ तब तक ठीक चल रहा है, उसके बाद में अचानक ऐसा माहौल हो गया राजनीतिक कि किसी भी एंगल में वहां के काउंसिलर और वहाँ के एंटी सोशल्स चाह रहे हैं कि मैं उस मकान को खाली करूँ। जितना लॉ प्रोसेस से मेरे को अपना कार्रवाई करना चाहिए था, लास्ट नवानों तक भी चिट्ठी लिखा हूँ, थाने में भी चिट्ठी लिखा हूँ, कोई रकम का हेल्प मेरे को नहीं मिली। 24 नंबर वार्ड का 39 ब्रिज दुलाल स्ट्रीट, वो मेरा फोर्थ और फ्लोर फिफ्थ के लिए 70 लाख रुपया दिया गया था, वो एक पार्ट पेमेंट था और उसके साथ में एक सेल एग्रीमेंट भी हुआ है कि विद इन 6 महीना में वो केएमसी से मेरे को इसका सीसी करवा देंगे, तो मेरा 5 फ्लैट रजिस्टर्ड है, वो फ्लैट 2 फ्लैट भी रजिस्ट्री मेरे नाम से हो जाएगा। बट मेरे को मालूम पड़ा कि जब मेरे से टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ है उससे पहले ऑलरेडी उस बिल्डिंग में 401 अनलीगल कंस्ट्रक्शन का एफआईआर हो चुका है, थाना को इस विषय में सब जानकारी है। थोड़ा सा डिस्प्यूट के लेके 144 भी किया था, उस 144 में थाना एक रिपोर्ट बना रहा है कि फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर में मैं रह रहा हूँ, जब ऑलरेडी उसमें एक 401 केस है तो थाने का दायित्व तो बनता है कम से कम उनको जानने का कि आप यहाँ पे आपको टेनेंसी फ्लैट रहने का राइट ही नहीं है। इसके लिए मैं एक 25 अगस्त को एक जीडी किया था, शायद जीडी नंबर था आपका 2206। उस जीडी में पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है कि मेरे एब्सेंस में कुछ एंटी सोशल्स और लैंडलेडी जो है वो मेरा फ्लैट से सामान निकाली है, और लोकल पुलिस प्रशासन लिख रहे हैं कि कुछ रिनोल्ड पर्सन्स वहाँ के काउंसिलर, उन लोगों ने थोड़ा समझा बुझा के उस सामान को वापस मेरे फिफ्थ फ्लोर में रख दिया गया। बट कोर्ट में देख रहा हूँ पूरा पूरा जीडी को चेंज कर दिया गया। उस जीडी के लिए अभी तक मैं कम से कम 6 ठो RTI कर चुका हूँ। पहला जीडी में कहा जा रहा है कि विदाउट कोर्ट हम आपको ये जीडी नहीं दे सकते हैं, फिर दोबारा जीडी किया गया, फिर तिबारा जीडी किया, RTI किया गया, तीसरे बार में उस जीडी का पूरा स्टेटमेंट ही चेंज हो गया। जिस जीडी में मेरा सिग्नेचर किया हुआ था वापस मेरे को RTI से जवाब भी मिला है, उस जीडी को चेंज कर दिया गया। लास्ट में मेरे को ये बोलना पड़ा है कि मैं फिजिकल उस जीडी को अपने आंख से देखना चाहता हूँ। कल तो मालूम पड़ेगा तो घटना हुआ, जीडी वहां से डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म ही हो गया। वो एक जीडी ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें पूरा ब्यौरा आपको समझना है, बट उसको वहां से हटा दिया गया। 5 तला लोग 4 जुलाई को 5 तला दखल कर लिया गया। मालूम पड़ा KMC कोर्ट से कि इस बिल्डिंग में ये अनलीगल है। KMC कोर्ट में मैं साक्षी देने भी गया हूँ, वहां कहता है मेरा वहां साक्षी हुआ है। एक्शन को सिर्फ माफ किया गया है, बाद बाकी पेनल्टी बरकरार है, डिमोलिश का ऑर्डर बरकरार है। अभी अगर साजिश के तहत देखा जाए तो जिस दिन उसको डिमोलिश किया गया है उस दिन मेरे से तो वो बेदखल हो गया, मेरे हाथ से फ्लैट गया, वो फ्लैट वापस रिपेयरिंग भी हो गया और ऑलरेडी वहाँ पे वो लैंडलेडी रह रही है। बिना पुलिस प्रशासन के हेल्प के बगैर इतना बड़ा ये कांड हो नहीं सकता। इस दरमियान जोड़ावगान थाना में कम से कम 5 FIR हुई है। उस फ्लैट को, मेरे ही फ्लैट को, मेरा एक सेकेंड फ्लोर में फ्लैट रजिस्टर्ड फ्लैट है, उस फ्लैट को एक जन को भाड़ा दे दिया जा रहा है और दूसरे जन को बेच दिया जा रहा है, तीसरा उन्हीं के जो पर्सन्स है, उन्हीं के जो रिश्तेदार हैं, वो
वो कोर्ट में कुछ फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स जमा करके वहाँ इंजेक्शन लेने का कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए एफ आई आर किया गया। लास्ट में देख रहा हूँ जोड़ाबान थाना कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, हेरशिट थाना में भी दो कंप्लेन हुई है फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स की, अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से मेरे को हेल्प नहीं मिली। और कम्प्लीटली धमकी है कि किसी भी हालत में आपको ये बिल्डिंग खाली करना ही पड़ेगा।